नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौ। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की। फयाकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवस्थाओं का लगातार अधीक्षक महोदय भी पत्रकारों से करते हैं बदसलूकी, अधीक्षक को हटाने की मांग। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस के हत्के चढ़े दो बदमाश, दो फरार होने में रहे कामयाब, पुलिस कर रही फरार बदमाशों की लगा। और शाहजहांपुर की सरकारी राशन की दुकान पर लगी सील, ठेकेदार को दुकान न खोलना और अभद्रता करना पड़ा भारी, लोगों की शिकायत पर ही कार्यवाही। अब खबरें विस्तार। फयाकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ, वहीं दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भी अपने नए कारनामों की वजह से हर रोज चर्चा में रहते हैं। बीते दिन भी अधीक्षक महोदय ने पत्रकारों से बदसलूकी की। दरअसल बुधवार को दोपहर 3 बजे अस्पताल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। ऐसे में तमिलदारों ने अपना दुखड़ा पत्रकारों से रोया। इसके बाद पत्रकारों ने अधीक्षक से सवाल पूछा तो वे पत्रकारों पर ही भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से बदजुबानी करते हुए अस्पताल से भाग जाने को कहा, अन्यथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में पत्रकारों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का फैसला लिया है और अधीक्षक को हटाने के लिए आवाज उठाई। फयाकपुर से संवाददाता शीतल प्रसाद की रिपोर्ट। कितनी देर से आप खड़े हैं? लगभग आधा घंटा से। आधा घंटा से आप खड़े हैं और पर्चा कोई नहीं बना रहा है यहाँ पर, जबकि समय सारणी यहाँ पर क्या है? 10 से 4। 10 से 4। आपने किसी शिकायत किया? हाँ, यहाँ पर ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। क्या नाम पड़ता है आपका? राहुल कुमार। कहाँ से आए हैं? धौली से आए हैं, 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भूमाफियाओं ने जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिससे पीड़ित लोग काफी परेशान हैं। हाल ही में मुन्नू नाम के व्यक्ति ने भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई। मुन्नू ने बताया कि कॉलोनाइजर और अन्य लोगों ने विभागीय मिलीभगत की मदद से उनकी जमीन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि शासन प्रशासन के अधिकारी भी दबंगों के आगे नतमस्तक हैं। पीड़ित परिवार की माने तो अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो मजबूरन ये सभी लोग आत्मदाह कर लेंगे। वाराणसी से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। हम बड़ा परेशान है, जमीन हमारे समला हड़प ले ले हम जबरी से। हम बहुत कमजोर है, छठे लड़की में परेशान है हम। वो लोग रुपया पैसा वाला है, बैंक वाला है, हम कमासूत आदमी है, गारा मट्टी काम करे वाला। एक थे लड़का हमारे पल्ले है, अब ये लड़का। आपका जमीन कौन कब्जा किया है? कब्जा किया है रवि कनाजर। रवि कनाजर कैले हूँ, प्रभाकर कैले हूँ, अतुल कैले हूँ, तीनों जने। और उसका हम लोग मुकदमा भी देख रहे हैं। हमने पक्की पैमाइश कराई है, हमने उस पर स्टे भी लिया है, हमने मुकदमा चल के तहसील से फाइनल जीत भी गए हैं। सारे अधिकारी लोगों ने आदेश भी किए हैं, लेकिन अधिकारी लोगों का उल्लंघन काफ़ी हो रहा है। हम लोग थाना चक्कर चौकी, थाना कोतवाली, डीएम, डीआईजी सारे लोगों को कागज़ दे रहे हैं, कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है, न्याय भी नहीं हो रहा है। केवल कहा जा रहा है कि योगी मोदी राज में सच्चाई चल रही है, लेकिन सच्चाई चल नहीं रही है। यहाँ सारे लोगों ने गलत गलत करके जा रहे हैं। बहराइच में आबकारी विभाग ने 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 4 मामलों में प्रकरण दर्ज किए। दरअसल प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने 3 थाना क्षेत्रों रानीपुर, रामगांव और फकरपुर में दबिश दी। इस कार्यवाही के दौरान विभाग को भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। बता दें, प्रधान आबकारी सिपाही मोहम्मद हसीन खान ने खुद पानी में उतरकर अवैध शराब और अवैध शराब संबंधी उपकरण बरामद किए। दबिश के दौरान अलग अलग स्थान से लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। वही 400 किलोग्राम महुआ लहान भी मौके पर नष्ट किया गया। बहराइच से संवाददाता शीतल प्रसाद की रिपोर्ट। बांदा जिले में खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों ने जमकर हंगामा किया। यहां कालू कुआं गल्ला मंडी में दुकानों पर लगी किसानों की भारी भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। देखने में आया कि खाद नहीं मिलने की वजह से किसान काफी परेशान थे और गुस्से में उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान रोड पर भी जाम कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवाया और खाद दिलाने का आश्वासन दिया। बांदा से संवाददाता आशा देवी की रिपोर्ट।
खाद की वजह से, खाद की किल्लत के कारण। किस हाईवे पे हैं, किस जगह पे हैं आप? आप यही खाद मिलनी है तो यही जाम करें या क्या करें? पूरी ये खाद जाम मिलना चाहिए। गल्ला मंडी पे? हाँ गल्ला मंडी। यहाँ पर गल्ला मंडी, गल्ला मंडी। क्या दिक्कत है? खाद नहीं मिल रही, 3 दिन से प्रॉपर लौट। सफीपुर के कोतवाली क्षेत्र से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया। यहाँ ककरोड़ा गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल सफियापुर गांव में रहने वाला प्रताप शंकर अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद डायल 112 PRV 2908 ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां घायल की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल भेजा। सफीपुर से संवाददाता मेराज उद्दीन की रिपोर्ट। अयोध्या के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां साहाबारा मोड़ पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कुछ लोगों को संदिग्ध पाए जाने पर रोका गया, तभी बदमाशों ने फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी, लेकिन अन्य 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हुए। अब पुलिस ने घायल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 .315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अयोध्या से संवाददाता पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। 12:00 थाना बीकापुर क्षेत्र में खजुरहट बीकापुर रोड पर स्थित शाहपुर पारा मोड़ पे पुलिस टीम और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम में जनपद की स्वाट टीम और थाना बीकापुर इसकी टीम थी, जो मुखबिर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच जब बदमाशों को वहाँ पे रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया और फायर करके बदमाश वहाँ से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश, जिनके नाम ओम प्रकाश बरवार और रामबख्श बरवार हैं, उनके पैर में गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। 2 बदमाश जिनके नाम बाबा दीन और रवि हैं, ये भाग गए हैं। इनकी पुलिस टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें इन बदमाशों ने थाना बीकापुर और महाराजगंज क्षेत्र में विगत दिनों हुई लूट की घटना स्वीकार की गई है। इनके पास से असलहे, कारतूस तथा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, इनके द्वारा अन्य कई जनपदों में भी इस तरह की घटनाओं का को अंजाम दिया गया है। डिटेल पूछताछ अभी जारी है और साथ ही साथ जो 2 फरार बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। शाहजहांपुर की थाना रौजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देर रात तक आरोपियों की धरपकड़ जारी थी। इसी कड़ी में 2 शातिर किस्म के चोर शिवम जोशी उर्फ राधे और एक अन्य शिवम नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। वहीं एक वारंटी आरोपी मनोज कुमार को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस की माने तो इस कार्यवाही में अवैध शस्त्र सहित चोरी की साइकिल बरामद हुई है। फिलहाल 3 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र में कोटेदार को समय से दुकान नहीं खोलना और कार्ड धारकों से अभद्रता करना भारी पड़ गया। बता दें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने दुकान को सील कर दिया है। दरअसल जनता इंटर कॉलेज चौराहे के पास देवेंद्र कुमार गुप्ता की सालों पुरानी सरकारी राशन की दुकान पर खाद्य अधिकारी ने कार्यवाही की। कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार देवेंद्र महीनों में कुछ ही दिन सरकारी दुकान खोलते हैं। वहीं कोटेदार जब दुकान खोलता है तो कार्ड धारकों को बहाने से भगा भी देता है। इतना ही नहीं, कई बार महिलाओं से अभद्रता भी करता है, जिसकी शिकायत महिलाओं ने की थी। इस मामले में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी DS डोलिया ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उक्त दुकान बंद थी और राशन लेने वालों की भीड़ लंबी लगी हुई थी। इस लापरवाही को देखते हुए दुकान को सील किया गया है। शाहजहांपुर से संवाददाता राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या ये है, हम लोग सुबह में 4 बजे से आके यहाँ बैठ जाते हैं। महीने में 1 दिन कंट्रोलिंग का खुलता है और उसके बावजूद भी ये साहब आते हैं 10-11 बजे के बीच में आके बैठते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं उठाओ पर्चियाँ इनसे। ये भिखारी लोग आग डाले नींद खराब कर देते हैं सुबह सुबह, महिलाओं के सामने बदसलूकी करते हैं। 1 दिन महीने में सिर्फ 1 दिन खुलता है इनका कंट्रोल, उसके बावजूद भी गल्ला नहीं सही से देते हैं। 10 बजे के बाद में इन सबको भगाना शुरू कर देते हैं और
अधिकारी जने जान के बस लोग गलत अल्फाज से सबको करते और महिलाओं को धक्का देते हैं। इनका हम लोग नहीं चाहते रत्ती भर भी इनके पास कंट्रोल रहे। हम लोग बहुत इनसे परेशान हो चुके हैं। पैसे पिछले महीने के भी जमा हम लोगों के, लेकिन ना पिछले महीने का गल्ला मिला है ना इस महीने का गल्ला मिला है। आगे आप लोग क्या चाहते हो कि इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? इनका रद्द कर दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, इनका रद्द कर दिया जाए। ये बहुत बुरी तरह से हम लोगों से पेश आते हैं, गल्ला किसी को नहीं देते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं और बाद में पर्चियाँ उठा उठा फेंकते हैं और बहुत बुरी तरह से लोगों को जो है अल्फाज से बुलाते हैं, भिखारी तक। सुनने में ये भी आया है कि ये पैसे पहले एडवांस लेते हैं? हाँ, पैसे पहले से एडवांस लेकर रख लेते हैं, बाद में कहते हैं कल मिलेगा, परसों मिलेगा और सबको जो है इनसे जो है जो भी आता है बहुत बुरी तरह से भिखारी साले आ जाते हैं, ये वो करके बुरी तरह से अल्फाजों से बैठा। महीने में कितने दिन खुलता है? सिर्फ एक दिन खुलता है, अब वो भी 11 बजे टाइम आगे बैठते हैं और बाद में पर्चियाँ उठा के फेंकते हैं, कहते हैं आटा उनका लाला नहीं है, मशीन खराब हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दुकान संख्या 50 मोहल्ला मेहमानगढ़ी, और किन किन मोहल्लों में मिलता है? बंगश, सिंजई, समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये कौन सा राशन देता है, लेकिन एक शर्त है, आप ये जो ले रहे हो करोगे कुछ इसका? अरे कल पेपर में देखना, क्या देता? 5 मिनट आते हैं, क्या दिया तो अभी सर ने खुद पकड़ा। क्या नाम क्या है इनका? देवेंद्र गुप्ता। कौन कौन से मोहल्ले गल्ला मिलता है? संजय और मेहमानगढ़ी। सबके साथ यही हो रहा है? सबके साथ, सब लोग सबके साथ। लेडीज खड़ी होती है, धक्का देता है, बदसलूकी करता है, गालियां बकता है महिलाओं को, महिलाओं का सबको संकट। ये देवेंद्र कुमार गुप्ता? हाँ, देवेंद्र कुमार गुप्ता। क्या है कि हमारे 4 यूनिट है, 4 में 3 का दिया जाता है, 9 किलो देते हैं, 9 मठ है वो भी कम कर दिया जाता है, और ज्यादा कहो तो पर्ची उठा के फेंक देते हैं, सबके मार के मनाते हैं। हाँ, पूरा गल्ला नहीं होता, आज अपनी बन दिया वो भी 1 किलो कम दिया, हर चीज कम दी। आपकी क्या समस्या है? गल्ला मिलता कम देते हैं? हाँ, 3 यूनिट मिलते हैं। अच्छा, अब 30 रुपये ली आप भैया, ये 4 यूनिट है, 2 यूनिट देता है, अब देते नहीं है, और आज चावल मिले गेहूँ मिले भी नहीं है। मतलब बदतमीजी बदसलूकी भी करते हैं महिलाओं से? धक्का देते हैं, भगाते हैं, धक्के देते हैं। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों ने स्कूल को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया, वहीं शिक्षकों ने बच्चों के साथ मिलकर केक भी काटा। देखने में आया कि कार्यक्रम में कई प्रबुद्धजन मौजूद थे जिन्होंने श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया। नगर से संवाददाता प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र से एक तरफा प्यार का मामला सामने आया। यहाँ कतरा गांव में एक युवक ने युवती पर धारदार हथियार से हमला किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। इस घटना की सूचना पुलिस सहित परिजनों को दी गई थी, जिसके चलते युवती को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मौत की खबर से परिजनों के होश उड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ SP अजय कुमार पांडे ने बताया कि 5 टीमों का गठन किया गया है, घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। हरदोई से संवाददाता चंदगी राम मिश्रा की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना हरपालपुर के ग्राम ककरा का है, जहां से पुलिस को सूचना मिली थी कि पुरानी रंजिश के चलते एक आशीष नामक 25 वर्षीय युवक ने एक 17-18 साल की लड़की के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों के सहयोग से उस लड़की को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया था। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। तत्काल ही मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और लगातार काम कर रही हैं। जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, इसमें दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव TV समाचार। नमस्कार।